अमृता खरच खूप सुंदर दिसते, म्हणजे मी एक मुलगी असून नजर हटत नव्हती, इतकी छान दिसत होतीस तू. आणि मला तुला हे विचारायचं की किती कठीण होत की चंद्रा कोण आहे हे ट्रेंड वर येत होत, पण हे लपवणं तुझ्यासाठी किती कठीण होत की तूच खरा चंद्र आहेस. सगळ्यात प्रथम म्हणजे चंद्रमुखी उमाजीराव सुंदरकरचा या संपूर्ण मैफिलीला सलाम. हिंदी में बात करनी है जी. मैम सबसे पहले बोलना चाहूँगी बहुत ही अमेजिंग है, और जिस तरह से अभी आप आपका लुक है वो बहुत ही अमेजिंग दिखता है. क्या आप बताना चाहेंगे मैम चंद्रमुखी के बारे में? देखिए चंद्रमुखी एक संघर्ष है, चंद्रमुखी प्रेम है, चंद्रमुखी जो है वो बलिदान है. और हम सभी ने, हमारी जो कोर टीम है, हम सभी ने बहुत संघर्ष किया है इस फिल्म को ऑडियंसेस तक पहुंचाने के लिए. सबसे पहली बात तो हमने बहुत पेशेंस दिखाई है इस चीज़ में कि जब तक 100% थिएटर्स जो है वो ओपन नहीं हो जाते तब तक हम ये फिल्म होल्ड करेंगे, और वैसा ही हमने किया. और आज देखिए, आज 100% थिएटर्स जो है वो ओपन हो चुकी है, और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं है. जब हम कुछ ग्रैंड करें तो हम चाहते हैं कि लोग आके उस चीज़ का आस्वाद ले, उस चीज़ को आके देखे. दो साल लगे हैं इस फिल्म को बनाने में, और हर किसी की मेहनत है, छोटे से छोटे डिपार्टमेंट से बड़े डिपार्टमेंट तक सबने बहुत पेशेंस रखा है. और आजकल के ज़माने में आपको बहुत ही कम तरीके से ऐसी फिल्में बनती है, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि ऐसी फिल्म मेरे नसीब में आई है और मैं उसका टाइटल रोल कर रही हूँ. तो आई जस्ट वांट कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग इसे सराहे और इसे प्यार दें. अगर चंद्रमुखी कैरेक्टर की बात की जाए तो कुछ आप बताना चाहेंगे क्या कुछ डिफिकल्टीज आई ये शूट के दौरान, या फिर कितना आपको प्रेरणादायक लगा ये? देखिए प्रेरणादायक तो है ही, बिकॉज महाराष्ट्र की जो लोक कला है, जो फोक म्यूजिक है, जो फोक जो कल्चर है हमारा, वो हम दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना चाहते हैं. और इसीलिए अजय अतुल जैसे नाम है, इसीलिए प्रसाद ओक, संजय मेमाणे, अक्षय बर्दापुरकर जैसे नाम है, जो बहुत ही उम्दे तरीके से अपना काम करते हैं, और मैं ऐसा कहूँगी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है. और उनके ज़रिए हम ये जो हमारे महाराष्ट्र की शान है, जो लोक कला है, फिर वो लावणी है या सवाल जवाब है या लव सॉन्ग है या जो भी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं. और देखिए संघर्ष के बिना तो ज़िंदगी नहीं है, तो फिल्म तो ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग है मुझे लगता है. और मैं बस चाहती हूँ कि ये फिल्म हर जगह पहुंचे, इसके गाने हर कोई गुनगुनाए. देखिए आज अगर आप देखें तो कहीं पर भी, ये साउथ से है, ये मराठी से है, ये गुजराती से है, वो जो एक दायरे थे हमारे वो आज रहे नहीं हैं. वो जो भी एक हल्की फुल्की लाइंस थी वो ब्लर हो चुकी है. और बस हमारा यही मानना है, हमारी यही समझ है कि मराठी फिल्म हो या कुछ भी हो, जब कंटेंट अच्छा होता है तो वो लोगों तक जरूर पहुंचता है. कंटेंट का तो जमाना है ही, और लोग अच्छी तरीके से समझते हैं जी, उसको सराहते हैं जी. जानना चाहूंगी कि इस फिल्म से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, जिस तरह से आपने बोला कि 100% ऑक्यूपेंसी होगी तभी रिलीज होगी, तो क्या कुछ आप बोलना? जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं चाहती ये सिर्फ एक मराठी फिल्म बन के रहे, मैं चाहती हूँ ये ग्लोबली अक्लेम्ड हो और ग्लोबली लोग इसे देखे. थैंक यू अनिल. अनिल एक मिनट.